पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगातें मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1,804,50,00,000 रुपए की राशि को सीधे उनके बैंक खातों में अंतरण कराएंगे। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित हुआ है। बता दें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बीते दो सालों में राज्य के किसानों को 11,180,10,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 1,720,11,00,000 रुपए के भुगतान के बाद यह राशि 12,900,21,00,000 रुपए हो गई है। राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को अब तक प्रदाय की गई 122,24,00,000 रुपए की राशि को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर के 13,022,45,00,000 रुपए हो गए हैं। इसी तरह राज्य के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मदद देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 21 मई को 3,55,402 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 71,08,04,000 की राशि जारी की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत अब भूमिहीन परिवारों के प्रति वर्ष 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने गौधन न्याय योजना के तहत 13,31,00,000 रुपए की राशि का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूह के बैंक खाताओं में किया है। इस राशि को मिलाकर कुल 250,40,00,000 रुपए का भुगतान पूरा हो गया है, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 140,71,00,000, गौठान समितियों को 63,92,00,000 रुपए और महिला समूहों को दी गई लाभांश राशि 45,77,00,000 रुपए शामिल है। छत्तीसगढ़ से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।